हेलो दोस्तों, आज फिर से हम आपके सामने पेश हो गए हैं एक नई पेशकश के साथ। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सबको बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने हमारी टॉप वर्स्ट पिक वाली वीडियो को इतना ज्यादा प्यार दे दिया। ऐसे ही आप हमारी सारी वीडियोस पर अपना प्यार बरसाते रहिएगा। आपने जितने भी सुझाव दिए हैं उसको मैंने पर्सनली रिकॉर्ड किया है, वो थी टॉप वर्स्ट पिक। और अब हम लेकर आएंगे टॉप फ्लॉप इन आईपीएल 2022। वर्स्ट में खिलाड़ियों को लिया गया था और फ्लॉप में जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया है ना, उन पे गहन चिंतन किया जाएगा। उन्हीं पर बहुत जल्दी आने वाला है वीडियो। चलो बगैर किसी देरी के हम आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप सबने सुन और देख तो लिया ही होगा, तो हमने सोचा हम भी कुछ बोल और बता लेते हैं इस टॉपिक पर। माही भाई वापस आ गए हैं। अरे गए ही कब थे जो वापस आ जाएंगे भला। लेकिन कल शाम को एकदम से एक ऐसी खबर आई कि अब महेंद्र सिंह धोनी ने वापस कमान संभालने का बीड़ा अपने मजबूत कंधों पर उठा लिया है। सीजन 15 शुरू होने से ठीक पहले धोनी ने चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी सर रविंद्र जडेजा को हैंडओवर कर दी थी। क्यों कर दी थी उस पे हमने एक वीडियो बनाई है, उसका लिंक ऊपर छोड़ देंगे हम, देखना जरूर आप लोग। हम सब ये बात तो जानते हैं कि चेन्नई की चमक इस सीजन में थोड़ी क्या काफी फीकी रही है। जडेजा भाई ने कप्तानी इसलिए छोड़ी क्योंकि उनको अपने गेम पर और ज्यादा फोकस करना था और उन्होंने माही से रिक्वेस्ट करी कि वो अपने ऊपर ये जिम्मेदारी ले, जिसको धोनी ने स्वीकार भी कर लिया। भैया हर किसी के बस ही में नहीं होता है कप्तानी करना, और वैसे भी जिस टीम में महेंद्र सिंह धोनी जैसी शख्सियत मौजूद हो, कप्तान कोई भी हो, लेकिन कप्तान तो वही रहते हैं। याद करो वो दौर विराट कोहली वाला या फिर रोहित शर्मा वाला, याद आया? अगर इस बात से सहमत हो तो अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताओ। आंधी ले आओ एकदम कमेंट बॉक्स में। CSK अपने सबसे लोएस्ट दौर से गुजर रही है। जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर हर्षा भोगले साहब ने देखा क्या प्रतिक्रिया दी है? बहुत ज्यादा क्रिटिकल दिख रहे हैं भोगले साहब। खैर ये बात तो सोचने वाली है कि ऐसे कप्तानी छोड़ना सिर्फ गेम में कॉन्सेंट्रेट करने के लिए है या फिर मामला कुछ और है। चलो ठीक है, अगर आपको इस साल कप्तानी नहीं करनी है तो अगले साल कौन होगा चेन्नई का कप्तान, सोचना तो पड़ेगा ही ना। क्योंकि जहां तक मुझे लगता है धोनी शायद इस साल अपना लास्ट अपीयरेंस देंगे आईपीएल में, हो सकता है ना ही हो आखिरी सीजन, फिर जॉब डन वाली फोटो आएगी और फिर धोनी भाई वापस। मजाक कर रहा हूँ। खैर ये सब बात तो आगे पता ही चल जाएगी। अब देखना ये होगा कि अब यहाँ से धोनी क्या स्ट्रैटेजी अपनाते हैं टूर्नामेंट में आगे बढ़ने की, क्योंकि भौकाल मार्केट में इतना ज्यादा टाइट है कि लोग कहते फिरते हैं अनहोनी को जो होनी कर दे वही है महेंद्र सिंह धोनी। क्या कहना है आपका इस पर, हमें कमेंट करके बताना जरूर। चलिए नजर डालते हैं इनकी कप्तानी के रिकॉर्ड पर। बड़े भाई ने 204 मैचों में कप्तानी करी है, जिसमें से इन्होंने 121 मैच में जीत का स्वाद चखा है और 82 मैच में हार का सामना किया है। विनिंग परसेंटेज है 59.60 का। और ये तो सभी को पता है कि CSK ने 4 बार बड़े भाई के नेतृत्व में IPL की ट्रॉफी पर अपना नाम लिखवाया है। क्या ही लोगे भैया, जान वान तो नहीं ले लोगे ना? थोड़ा और सुनोगे तो सुन लो फिर ये बात। सिर्फ कप्तान रहते रहते धोनी ने 4456 रन मारे हैं अभी तक सारे सीजन में। 2 बार माही ने राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स की गद्दी एज अ कैप्टन संभाली है जब CSK को IPL से बैन कर दिया गया था। रन्स बनाने में विराट कोहली के बाद अपने बड़े भाई का ही नाम आता है IPL की हिस्ट्री में बतौर कप्तान। और तो और 9 बार धोनी के नेतृत्व कुशलता पर ही CSK फाइनल्स में पहुंची है। मतलब है तो यही है, वरना है ही कोई नहीं। हालांकि मुझे ये जरूर लगता है कि धोनी को अपने आप को बैटिंग ऑर्डर में प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा दम खम यही रखते हैं प्रेशर को अब्सॉर्ब करने में, और इनको सेटल डाउन होने में समय भी लगता है। समय के साथ साथ रिफ्लेक्सेस उतने मजबूत नहीं रहते हैं भाई साहब। लेकिन याद करिए वो लम्हा जब दौड़ में, अरे दौड़े थे ना जब वो ड्वेन ब्रावो के साथ, हरा दिया था ब्रावो को भागते हुए। हमें तो इनसे ज्यादा तेज धावक लगता ही कोई नहीं है। अगर आप हमारी बात से सहमत हो तो लाइक कर दो, मैं समझ जाऊंगा। अगर नहीं हो तो कमेंट बॉक्स पर नाम बता दो। जाना नहीं है आपको, पूरी वीडियो देखनी है, विनम्र निवेदन है हमारा। देखोगे तो अच्छा लगेगा हमें और अंदर से मौज भी बहुत आएगी। अच्छा तो लगता है यार जब आपके काम को कोई अप्रिशिएट करता है। धोनी ने ये काम किया है तभी तो हम सब अप्रिशिएट करते हैं उनको। लेकिन अगर
गलत करेंगे ना तो उस पर भी बात होगी, जरूरी कार्रवाई करी जाएगी या फिर बोली जाएगी। धोनी भाई को बुरा नहीं मानना चाहिए इसमें। गैंग्स ऑफ वासेपुर के रामाधीर भैया को भूल गए हो क्या? देखो अब जैसा हो सीजन CSK का, जीतेंगे तो वाह 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 होगी और भैया हारेंगे तो भी खबर ही बनेगी। एस्केप रूट प्लान तो है ही नहीं, तो आप लोग IPL देखते रहो और हमें भी आप देखते रहो। माही भाई की तरह हम आपको निराश नहीं करेंगे। अच्छा लगता है जब आप कुछ हमें बताते हो या लिखते हो, झन्नाटेदार मजा आता है। बहुत खुशी मिलती है जब आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है और हमसे कहीं गलती हो जाए तो लेट गो कर देना यार, आखिर इंसान ही है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना, शेयर कर करके बवाल काट डालना, लाल कलर का सब्सक्राइब लिखा होगा उसे दबा देना, बहुत जरूरी है वो, फ्री में होता है ये सब काम, सब्सक्रिप्शन नहीं है इसका कुछ। बेल आइकन बोले तो घंटी घंटा भी प्रेस कर देना कि जैसे ही हमारी यहाँ से वीडियो अपलोड हो और खट से आपके पास वीडियो आके लैंड हो जाए, अपनी सुविधा अनुसार या समय अनुसार वीडियो देख लीजिएगा, हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए हम आज आपसे विदा लेते हैं और कल सुबह फिर 10 बजे मिलते हैं।